दोस्तों आज क्लास टेंथ के लेफ्ट और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारों को कंप्लीट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव, आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर्मेशन। आपको जैसे कि पता है कि पिछली क्लासेस में मैंने न्यूमेरिकल्स कवर कराए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो कि आज की क्लास में कवर करा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल जैसे कि लिखा हुआ है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एक है, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों आवर्धन क्या होता है? आवर्धन इज द मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि जो अपना लेंस है या जो अपना दर्पण है वह प्रतिबिंब को कितना छोटा या कितना बड़ा कर पा रहा है। क्या हो रहा है? कितना छोटा या कितना बड़ा कर पा रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन देता है। आई आई डैश बटे ओ ओ डैश, समझ में आई बात? मैग्निफिकेशन क्या देता है? आई आई डैश बटे ओ ओ डैश। अगर किसी दर्पण का मैग्निफिकेशन प्लस एक है, इसका मतलब यह है कि आई आई डैश और ओ ओ डैश क्या है? सेम, बराबर है। मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वृत्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और नेचर बताइए। तो सिंपल है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण यह हुआ, उत्तल दर्पण मुख्य छवि, क्लियर। कह रहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितनी? 30 सेंटीमीटर। किसका मान दिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी 30 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, उत्तल के लिए हमेशा प्लस। समझ में आ गई? ओके। यहां से सी का मान दिया है तो एफ का मान फाइंड कर सकते हैं। एफ का मान क्या होता है? एफ इज इक्वल टू सी बाई टू। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई टू। तो सी का मान 30 बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एफ का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या लिखा। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। प्लस का मतलब सीधा रखा हुआ है। समझ में आई? आगे देखते हैं। कह रहे हैं उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इसका मतलब U का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। सामने रखी हुई मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रखी है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा मान? निगेटिव। जितना भी लेफ्ट साइड में होगा सारा का सारा वैल्यू कितना होगा? निगेटिव होगा। जितना भी राइट साइड में होगा सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। जितना भी मेन एक्सिस के ऊपर होगा सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। जितना भी मेन एक्सिस के नीचे होगा सारा वैल्यू निगेटिव होगा। क्लियर है? वीडियो नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और नेचर बताइए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? निकालते हैं V का मान। 1/f बराबर 1/p प्लस 1/p। दर्पण है, दर्पण के लिए प्लस हो जाता है। अगर इसी की जगह पे लेंस हो, लेंस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाता है। क्लियर? वैल्यू रख देते हैं। 1/f का मान 15 इज इक्वल टू 1/v का मान फाइंड करना है प्लस 1/u का मान माइनस का 20। क्या हो जाएगा? माइनस का 1/20। इधर किस में आ जाएगा? प्लस में। 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? 15 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 3 5 15 20। 5 से काटो, 5 1 5, 5 4 20, 3 5 15 4 60। लिखते हैं एलसीएम हो जाएगा 60, 15 4 60 प्लस 20 3 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। तो वी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? पलट दो, 60/7, 60/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी? 57/56, बचा 4 पॉइंट, बढ़ाया 0, 7/5 35, 5 बचे 0 बढ़ाया 7/49, 8.57 सेंटीमीटर। वो भी क्या रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? राइट साइड में बनेगा। किस साइड में बनेगा? राइट साइड में। क्लियर इतनी चीज? क्लियर इतनी चीज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और देखते हैं अभी और क्या निकालना। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें पता चल गई कि 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर राइट साइड में। कह रहे हैं साइज व नेचर बताइए। साइज के लिए हम क्या करेंगे? साइज के लिए हमें पता है क्या?
आई आई डैश बटे ओ ओ डैश इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वी अपान यू, किसके लिए, दर्पण के लिए, अगर लेंस होता तो उसके लिए क्या हो जाता, प्लस का वी अपान यू, क्लियर। ओके, आई आई डैश का मान हमें निकालना है, ओ ओ डैश इधर डिवीजन में, उधर किसमें पहुंचेगा, मल्टीप्लीकेशन में, माइनस वी का मान कितना निकल के आया 60 बाई 7 बाई यू, यू ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कितना है मान इसका 15 यू का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, माइनस का है तो माइनस का 20 लिख देंगे, कट गया, इज इक्वल टू इनटू बचा क्या ओ ओ डैश, ओ ओ डैश का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, काट दो 5 चौको 20, 4 से काटोगे 15 चौको 60, कितना आया 15/7 यानी कि 7 × 14 0 बचा 1, 10 7 × 7 मतलब लगभग 2.1 सेंटीमीटर, मतलब कि क्या हुआ, क्या हुआ 2.1 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का आया, मतलब अगर प्लस का आएगा तो मेन एक्सिस के ऊपर, मेन एक्सिस के ऊपर होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, डिस्टेंस कितनी होगी 8.57 सेंटीमीटर, वस्तु 5 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब 2.1 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, आभासी है, दूसरी तरफ है और 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, समझ में आ गई बात। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, 7 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु का मतलब ओ ओ डैश इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्लियर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कौन सा होता है, ये वाला, कह रहा अवतल दर्पण के सामने रखी है, कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी, F इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस अवतल दर्पण के लिए माइनस, क्लियर। कह रहा है कि सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, U का मान कितना बता रहा है 27 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, माइनस, U का मान हमेशा क्या होगा माइनस, कोई भी लेंस हो कोई भी दर्पण हो U ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर। कह रहा दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, हमेशा दोस्तों जब भी ये पूछेगा कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पूछना ये चाह रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, भाई जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर अगर हम पर्दे को रख दें तो प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाएगा, समझ में, सिंपल है, इसमें घबराना नहीं है, समझे। क्या निकालना है हमें, वी का मान निकालना है, हमें पता है फॉर्मूला रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q, मिरर के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस, रख दो वैल्यू माइनस 18 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/27, क्लियर। इधर आएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 1/-18 का 18 प्लस का 1/27 इज इक्वल टू 1/v, तो यहां से 1/v 18 और 27 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 18 और 27 कैल्शियम हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, 18 + 54 प्लस 27 दूंगा 54, कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 54/1 माइनस का 1/54, तो यहां से v बराबर माइनस का 54, यानी कि 54 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम पर्दे को रखें, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन किस दिशा में, माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह का मतलब इसी दिशा में, यहां पे जैसे वस्तु रखी है तो इसी दिशा में हम पर्दे को भी रखेंगे, समझ में आई बात, क्लियर है। ओके, यहां से बी का मान हमें पता चल गया, पर्दा कितनी दूरी पर रखे हमें पता चल गया, कह रहे हैं नेचर बताइए, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नेचर बताइए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम निकाल लेंगे आई आई डैश बटे ओ ओ डैश इज इक्वल टू माइनस का बी अपान क्यू, रख दो वैल्यू आई आई डैश इज इक्वल टू माइनस का वी, माइनस वैसे ही लगा रहे तो वी का मान माइनस का 54, तो ये हो जाएगा प्लस का 54 बटे यू का मान माइनस का 27, फिर से ये हो जाएगा इन टू ओ ओ डैश का मान कितना है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, 27 दूना 54 2 सती 14, वो भी माइनस का, यानी कि
इमेज का मान आएगा 14 सेंटीमीटर, वस्तु का साइज था 7 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा पहली बात। माइनस आया, हमने बताया था मेन एक्सिस के नीचे जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, माइनस होंगी, क्या होंगी, माइनस होंगी, यानी कि ये माइनस में आया तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेफ्ट साइड में है इसलिए वास्तविक बनेगा। समझ में आई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे निकालना है, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, या किस प्रकार का लेंस है। दोस्तों जब भी क्षमता बताया गया होगा इसका मतलब क्या होता है, पी बराबर 1/f, सिंपल फॉर्मूला है। पी का मान हमें दिया गया है, पावर इज द पावर, पावर इज -2 डायोप्टर, क्लियर। पी का मान हमें दिया गया है कितना, -2 = 1/f, तो यहां से एफ का मान क्या हो जाएगा, -1/2, यानी कि -0.5 मीटर, क्या मीटर, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्लियर, वो भी माइनस का, माइनस का चिन्ह हमेशा याद रखना। दोस्तों फोकस दूरी माइनस की है, फोकस दूरी माइनस की है, मतलब अभी हमने बताया ऊपर कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, इसमें लेंस की बात है ये, लेकिन दर्पण था, इसमें लेंस की बात, लेंस कौन सा होगा, ये अवतल लेंस, कौन सा लेंस होगा, क्लियर, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, फोकस दूरी माइनस किसमें होती है, अवतल लेंस में, क्लियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इजी है, क्या होगा, सेम क्वेश्चन, p = 1/f, f इधर आएगा, p इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f = 1/p, 1/p का मान 1.50, 5 × 10 = 15, कितना हो जाएगा, तिछंग 18, 2 बचेगा 6.66 सेंटीमीटर, क्लियर। कैसे समझ में आ रहा है, 0.66 सेंटीमीटर, यानी कि अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर, दिस इज मीटर, 0.66 मीटर, क्लियर। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ये उत्तल लेंस है, कौन सा है, उत्तल लेंस। सारी चीजें मैंने लेक्चर में समझा रखी है कि पावर कैसे निकालते हैं, क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ वेल एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर, क्लियर। आज से लाइट के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।